गाइस आप लोग कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होंगे तो आज की इस वीडियो में जैसे बात होने वाला क्या चीज के ऊपर, जैसे कि हम लोग कोई भी फोन खरीद लेते हैं, फोन खरीदने के बाद हम लोग कहाँ यहाँ पर 5 महीना, साल भर, 2 साल ऐसे हो जाता है। बाकी हम लोग जब डाटा ऑन करने जाते हैं ना, डाटा ऑन कंट्रोल सेंटर, फोन का कंट्रोल सेंटर होता है, जब डाटा ऑन करने जाते हैं तो मुझे क्या देखने के लिए मिलता है, जो कंट्रोल सेंटर है वही कंट्रोल सेंटर को हम लोग बार बार देखते हैं। साल भर खरीद रहा हूँ, साल भर हो गया खरीदने फोन, तो साल भर से वही कंट्रोल सेंटर हम लोग देख रहे हैं। हम लोग का लग रहा है कि मैं ये कंट्रोल सेंटर को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप लोग कुछ ऐप डाउनलोड करके चेंज कर लेते होंगे, तो बाकी आपको वहाँ पर बोरिंग जैसा लग रहा होगा, आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप लोग का वहाँ पर लग रहा होगा चलो भाई पुरानी वाला सेव कर लेते हैं, इससे तो बढ़िया मेरा पुरानी वाला है कंट्रोल सेंटर। तो आज की इस वीडियो में अगर आप भी कंट्रोल सेंटर को आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको वहाँ पर एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ, उस ऐप के मदद से आप बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रोल सेंटर लगा सकते हो। फोटो आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, नहीं तो आपका यहाँ पर ऐसे भी अच्छा लगेगा देखने में, स्मार्ट लगेगा, यूजफुल लगेगा आपका ऐसे भी देखने में। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में लगाना चाहते हो ना, तो चलिए आज का इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। हाँ, तो जानकारी देने से पहले एक छोटी सी मैं याद भुला गया हूँ, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आए तो वीडियो को लाइक मत करना, आपको कमेंट जरूर कर देना कि हमने कहाँ गलती किया, वो गलती आपको जरूर लिखना, वो गलती आप लिखिएगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ वीडियो में, तब ना वो इसका अगला वीडियो सुधार करूँगा मैं, तो जरूर आपको यहाँ पर गलती लिख देना। अगर ऐसी डेली आप वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करें, चलते अपना मोबाइल स्क्रीन पर। तो अभी अपना फ़ोन का स्क्रीन पर आ चुका, तो आपको सबसे पहले मैं अपना फ़ोन का कंट्रोल सेंटर आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी फ़ोन का कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर से देख सकते हो, तो मैं इसे अभी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम देख लो, एप्लीकेशन का नाम देख लो, उसके बाद आपको यहाँ पर लोगो देखना, यही लोगो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सेम नाम वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन आप जाकर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर सर्च करना एप्लीकेशन, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो एप्लीकेशन आप जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को चालू कर देना, जैसे कि मैं अभी अपना एप्लीकेशन चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लो मेरी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो चुका था और चालू भी कर दिया मैं अपना एप्लीकेशन को, तो मेरी एप्लीकेशन अभी यहाँ पर चालू होने ही वाला। तो आपको यहाँ पर परमिशन वाला पर देना, परमिशन पूरा फुल अलाउ आपको करना है, तब आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए इस वाला पर आपको क्लिक करना, इस वाला पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ढूंढ लेना था, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन नहीं रहा तो इसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना, इसे चालू कर देना था। चालू करने के बाद आपको यहाँ पर पहला सेटिंग हो चुका और दूसरा सेटिंग वाला पर आपको क्लिक कर देना, जैसे कि मैं दूसरा सेटिंग वाला पर क्लिक करता हूँ, दूसरा सेटिंग वाला पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन का परमिशन यहाँ से अलाउ करना, अलाउ कीजिएगा तभी आपका एप्लीकेशन मोबाइल में वर्क करेगा बढ़िया से, जिसके मेरी एप्लीकेशन अभी यहाँ पर अलाउ मिल चुका है। तो यहाँ पर देख लो मेरी एप्लीकेशन का पूरा फुल अलाउ दे दिया हूँ। अब मेरी आपको दिखाता हूँ मैं अपनी फ़ोन का कंट्रोल सेंटर मेरा चेंज हुआ है कैसा। तो मेरी फ़ोन का कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से चेंज हो गया और देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है, यानी कि कितना अच्छा लग रहा है मेरी फ़ोन का कंट्रोल सेंटर देखने में। तो कुछ इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका यहाँ पर आईफोन जैसा कंट्रोल सेंटर आपका फ़ोन में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप चेंज करना चाहते हो तो जाकर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको बता दिया, आपको सेटिंग करने के लिए आपको बता दिया। तो आप यहाँ से कुछ भी और एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। अगर आपको यहाँ पर एक सेटिंग करके बताऊँगा आपको यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप ही लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको मैं शॉर्टकट में आपको सेटिंग करके बता दिया, अब आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर कुछ कुछ सेटिंग करके अपने से देख लेना कि यहाँ पर क्या क्या फ्यूचर मिला गया था। यहाँ पर फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन में। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को लगाना चाहते हो तो जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। आपको आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपको वीडियो में जरूर जानकारी आपको मिल गया होगा, आपने यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को चेंज करने के आपको यहाँ पर उपाय मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जाना आप। तो चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपको मैं मिलता हूँ, तब के लिए बाय।